जहां आज 8 लड़कियों के हाथ में छुरा है, क्योंकि आज का सवाल है कि यहां मौजूद लड़कियों में से कौन आपकी पीठ पीछे छुरा भोंकेगी। वेल, और अब तक तनाज की रैंकिंग कुछ इस तरह है। नंबर 8 पर है करिश्मा, नंबर 7 पर है उर्वशी, नंबर 6 पर है मोना, नंबर 5 पर द वेरी टैलेंटेड तनाज, नंबर 4 पर है नेहा मर्दा, नंबर 3 पर है रागिनी, नंबर 2 पर है रक्षनंदन और नंबर 1 पर है नारायणी शास्त्री। वेल, ये तो थी तनाज की रैंकिंग, लेकिन आइए पता करते हैं कि आपके फैंस, वो लोग जो आपको चाहते हैं, वो क्या कहते हैं आपके बारे में। हमने आपके 100 फैंस से पूछा था ये सवाल और उनके हिसाब से नंबर 8 पर है मोना। वेल, कहना ये है कि ये तो बहुत ही स्वीट है, हमेशा हंसती रहती है, ये तो पीठ पीछे क्या किसी के सामने भी उनकी बुराई नहीं करेंगी। मेरा जवाब चुराया है पब्लिक ने। और नंबर 7 पर है इट्स नेहा मर्दा। नंबर 6 पर है नारायणी शास्त्री। सबको जिंदा। नंबर 5 पर है रागिनी। नंबर 4 पर है रक्षनंदन। उनका कहना है कि रक्षनंदन काफी पॉपुलर है, कॉन्फिडेंट है, लेकिन दोगली दोगली भी है। दोगली? काफी बोला देर से, ये दो धारी तलवार है, दोगली। काफी देर से काम नहीं कर रही है, इसलिए शायद काम पाने के लिए वो किसी किसी से धोखा कर सकती है। तनाज का रिएक्शन देखा तो फिर मैं खूनी दरिंदा हूँ फिर। और नंबर 3 पर है इट्स करिश्मा तन्ना। बहुत टफ कंपटीशन है। करिश्मा मीडिया में अपने सक्सेस के लिए काफी कुछ करती है। चुलबुली मीडिया में सक्सेस के लिए काफी कुछ करती है। देखो कैसा श्री आई लव लोग ऐसे पता चल जाता है। इन्हें देखकर लगता है कि ये सक्सेस पाने के लिए, नाम पाने के लिए किसी को भी धोखा दे सकती है। नंबर 2 पर जो है उनका कहना है कि तनाज तो दिखती भी पीठ पीछे छुरा घोंपने वाली, उस रियलिटी शो में भी सबके पीठ पीछे बातें करती थी, गॉसिप करती थी। ये आपका रीजन है। थैंक यू। यानी कि हमारी नंबर 1 है। उर्वशी के लिए रीजन कुछ इस तरह से दिया है कि उर्वशी को देखकर ऐसा लगता है कि वो औरों से जलती है। जलती है, सही कहा। उनके बारे में बुरा सोचती होंगी, वो पूरी वैम्प है। उर्वशी मनोरमा एक्सप्रेशन, पीठ पीछे छुरा ये जरूर भोंकेगी। क्योंकि अगर मैं मनोरमा जी की तरह करूं तो मुझे सिर्फ यही पीठ दिखेगी, और तो कुछ दिखता ही नहीं है। आपकी रैंकिंग हमारी सर्वे की रैंकिंग, हमारी सर्वे की रैंकिंग से नहीं मिलती, इसलिए अब बड़ी अफसोस के साथ से कहना पड़ रहा है कि फिर से 5 लाख हमें देने पड़ेंगे। कि आप लोगों को 5 लाख नहीं मिलता। Oh, no. इसका मतलब ये होता है कि 100 मर्दों के हिसाब से, हमारे सर्वे के हिसाब से, वो धोखेबाज जो किसी के पीठ के पीछे छुरा घोंपेगी वो है उर्वशी ढोलकिया। है वो धोखेबाज। क्या करूं, मेरी फैन फॉलोइंग इतनी है ना कि अभी तो लाइक आई एम सो हैप्पी। दिस इज गोना बी हर हफ्ते नंबर 1 आएगा। और अब वो जिसने अपनी छुरी आज निकाली ही नहीं, कोई वार नहीं किए, मीठी मीठी बातों से हमें बोर कर दिया। राइट right. yeah. वो भी नहीं किया। और इसकी सजा है कि आपको यहाँ पर आकर हमारे साथ एक क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता कि राइट right. और वो मिस मीठी पूरी है करिश्मा तन्ना। तो
जल्दी से जल्दी आइए और खेले हमारे साथ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती। आपकी सजा ये है कि आपको 5 रॉकिंग से सवाल के जवाब देने होंगे और ये हाँ या ना, सही या गलत, ये फैसला करेंगी क्या बैठी बाकी की आपकी सहेलियां। वो आपके सच बोलने पर जो उनके हाथ में दिल है वो लाल हो जाएगा, और आपके झूठ बोलने पर आप ही के झूठ की तरह वो दिल काला हो जाएगा, और कंफ्यूज रहने पे तो चलिए, आपका पहला सवाल है कि कभी अपने बॉयफ्रेंड को गुस्से में थप्पड़ मारा है? नहीं। कभी जय या मुझे उस नजर से देखा है? चलो अच्छी बात है। कभी किसी लड़की के बारे में अश्लील ख्याल आए हैं? लड़की नो, कभी शूट से घर जल्दी जाने के लिए फेंट होने का नाटक किया था? नहीं, कभी नहीं दिया। मैंने रीजंस गलत दिए हैं पर फेंट होने का नाटक नहीं किया। कभी आपको बी या सी ग्रेड मूवी की ऑफर मिली है? नहीं, मतलब तुम बी और सी के लायक भी नहीं हो। कभी आपने रास्ते पर थूका है? कभी ना कभी तो हुआ। ऐसे किए लेकिन हाँ बोलेगी देखना। खुलवाई दिया। थैंक यू करिश्मा, थैंक यू कि आप आकर हमारे साथ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। खिलती प्लीज देखो सी। हमारे आज के एपिसोड में तनाज के हिसाब से वो लड़की जो आपके मुंह पर मीठे मीठे बातें करेगी पर जैसे ही आप पलटे तो वो भी पलट लेगी, वो धोखेबाज लड़की है नारायणी शास्त्री। लेकिन हमारी पब्लिक कुछ और ही मानती है, क्योंकि जनता सब जानती है, उनके हिसाब से यहाँ सिर्फ एक धोखेबाज है, एक नकली नौटंकी है, हमारी अपनी मीठी छुरी नंबर 1 है, और वो है उर्वशी। अपने आप को खतरनाक कहने वाले शोज बहुत मिलेंगे, लेकिन असली खतरा सिर्फ यही है। और आग में कूदना आसान है, लेकिन 8 खूबसूरत लड़कियों को संभालना बहुत मुश्किल। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे 8 नई मुश्किलों के साथ और एक नए सवाल के साथ। Only on G5 presents Meethi Churi Number 1।